तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये पल्स 180 है और 150 जिसमें किक नहीं है उसमें सेल्फ से जिससे चालू होती है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है कि सेल्फ काम नहीं करता, मतलब सेल्फ दबाते रह जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो ये पल्स 180 है, 180 CC। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। कि जैसे आप ये देख रहे हैं, गाड़ी का इग्निशन ऑन करने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जैसे दबाया हमने, न्यूट्रल ऑफ हो जा रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पूरा सेल्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि छोटी सी दिक्कत है, वो आपको क्या करना रहेगा कि या इसको, इस टूल बॉक्स को खोलना रहेगा आपको। और जैसे हमने ये खोल लिया है और आपको पूरा दिखाते हैं कि ये जो सेल्फ में होता है, ये जो प्लग दिख रहा है आपको, ये बैटरी से कनेक्टेड, ये इसी में दिक्कत रहती है। इसमें कार्बन या तो जम गया रहेगा, या तो इसमें कोई तार में वायरिंग में दिक्कत होगी, या तो इसी को, पूरे बॉक्स को, इसको कहते हैं सेल्फ रैली, इसमें कोई दिक्कत आ गई होगी। तो आपको, मेरे तो इसमें शायद दिक्कत है, मैं इसको देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि इसमें दिक्कत है या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे इसको स्टार्ट करके कि, मतलब देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं बाइक। तो इसमें दोनों को देखिए, इसमें क्या है कि इन दोनों को टच कराने पे, जैसे आप अगर स्विच दबाते हैं तो दोनों टच करते हैं वायर, तो इनको अगर टच कराते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आपको इसको मैं करके एक बार दिखाता हूँ, और इसके पहले ऑन नहीं होगी। जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ नॉर्मल, तो इसमें ऑन नहीं हो रही है। और उस पर दोनों को टच कराने पर बाइक ऑन हो जाएगी, देखिए, ठीक है। इस पर इन दोनों को, वायर को टच कराने से गाड़ी स्टार्ट होने लगती है। तो आपको ये क्या करना रहेगा कि, तो हमको इसको वायर, इसके या तो कार्बन लग गए हैं या तो इसमें कोई दिक्कत है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ये आपको मार्केट में सेल्फ रैली करके नाम से ये पल्सर का मिल जाएगा आपको, और इसका मार्केट में अलग अलग प्राइस है। मेरे मार्केट प्रयागराज में यहाँ पे मिल गया मुझे 340 का, तो आपको भी इतने रेंट पे मिल जाएगा। और आप लोग अपने मार्केट में पता कर लें, गाड़ी स्टार्ट है लेकिन उसका सेल्फ काम नहीं करेगा, और इसको आप चेंज करिए। तो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ ये दोनों वायर कैसे होंगे, बदले जाएंगे, और उसके बाद आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा वापस से। देखिए, जैसे ये पुराना हो गया है और ये मैंने नया लेके आया हूँ, और इसी को सेल्फ रैली कहते हैं। आप किसी भी मैकेनिक की दुकान पर जाएंगे, मांगेंगे तो ये दे देगा आपको। 340 का पड़ेगा, 340 प्राइस पड़ेगी इसकी। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, ये इसको हटा के इसको इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पे, और आपका वापस से इंजन स्टार्ट होने लगेगा। चलिए, तो फिर इसको आप खोलते हैं और इसमें आगे काम करते हैं। इसमें बैटरी में आपको ज़्यादा डरना नहीं है, आपको उतना करंट नहीं आएगा। पहले तो आपको क्या करना है कि बैटरी से खोल लेना है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है, वैसे डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन ये बैटरी से जैसे हमने खोल लिया और ये वायर हटाते ही आपका ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको खोल देना है, इन दोनों स्क्रू को लूज़ कर लीजिए, इसको खोल लीजिए, और फिर आगे क्या करना है बताता हूँ। ये पहले निकालने के बाद आपका एक फ्री हो गया, और ये दूसरे को भी खोल लेंगे आप। ये मार्केट में आपको 340 का मिलेगा, आप जिनको भी चाहिए होगा। तो आपकी बैटरी में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इसमें बैटरी में कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे बैटरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये ऐसे हम निकाल लेंगे, ये पूरा ये सेट है, ये आपको ये सेट सेम दिख रहा है, और मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दिखाना, ये सेम यही देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको यही सेम मिलता है, और ये मार्केट में मिलेगा आपको 340 में। आप इसको ले आइए और इसको बदल के और इसको लगा लीजिए वापस। तो इसको आप बाइक में जैसे इंस्टॉल करते हैं सेम वैसे ही, जैसे वो पुराना वाला लगा था वैसे इसको इंस्टॉल करेंगे वापस। तो जैसा कि देख सकते हैं, वो सामने वाला स्क्रू कस चुका है, और फिर उसके बाद हम अगला स्टेप जो है, ये जो दोनों इनके प्लग मैंने निकाले थे उनको मैं ज्वाइन करूँगा। तो ये दोनों प्लग हैं, इसको आप वैसे ही तार जैसे निकाले रहेंगे वैसे ही इसको लगा देंगे, कनेक्टर है ये, हो गया, और ये साइड कर दीजिए। अब इसके ये दोनों स्क्रू खोल के आपको ये दोनों वायर को इन दोनों में सेट करना है, ठीक है। इस वाले स्क्रू को खोल लिया हमने, और इसमें आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा है, इसको भी खोल लिया।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ इसी की दिक्कत होती है, कहीं भी रास्ते में गाड़ी आपकी बंद हो सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। सीधे अगर कोई मैकेनिक की दुकान है तो वहाँ पे आप जाइए और इसको बदलवा लीजिए, इसको भी लगा दो। सेल्फ रैले करके इसका नाम है, और इसको कहीं मांगेंगे आप पल्सर का, वो आपको मॉडल नेम पूछेगा और वो दे देगा कोई भी ऑटोमोबाइल की दुकान पे। ये दोनों इसमें वापस लग गए, अब इसको इसमें वापस लगा लेंगे हम ऑफर, लेकिन वो टच करेगा हाथ तो चालू ही। ये बैटरी में जैसे हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट आता है लेकिन उतना नहीं, आप आराम से इसको बिडर हो के निडर हो के अब इसको कस लीजिए, उसके बाद ये काम हो गया आपका सेट फाइनल। अब क्या करना है कि आपको बस डायरेक्ट बाइक को आपको चेक करना है अपनी, इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए आप, इसको आप कस लीजिए दोनों सारे स्क्रूज को कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो बाद में। देख रहे हैं पूरा आप इंस्टॉल हो चुका है बढ़िया से, और सामने वाले को भी हम थोड़ा टाइट कर लेंगे जहाँ पे सेल्फ रेले कसता है। सो ये आपका रेडी हो चुका है, और अभी हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा तेज़ वो आ रही है क्योंकि इसमें कार्बन लग गया था, और इसमें करंट अभी बहुत तेज़ सप्लाई हो रहा है। जैसे हमने स्टार्ट कर दिया बाइक, और अब इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए बाइक स्टार्ट हो गई है,